हाय स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आओ कंप्यूटर सीखें यूट्यूब चैनल पर। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको एक्सेल परफेक्टली आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। हम सर्च इंजन पे क्या करेंगे, हम एक्सेल टाइप करेंगे और ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, को क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पूरे विंडोज का स्ट्रक्चर, मैंने आपको समझा दिया था कि कौन से जगह पर कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। आज हम आगे देखते हैं, तो बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा है तो वो आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक टेबल है, 12th स्टैंडर्ड का एक टेबल है। हमने यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड टाइप किया है। उसके बाद हमने सबसे पहले कॉलम्स A2 पे हमने क्या लिखा है, सेल A2 पे सीरियल नंबर। उसके बाद डिवीज़न, यहाँ पर आप अलग अलग डिवीज़न लिख सकते हैं। सपोज टू कुछ स्टूडेंट्स बी डिवीजन के हैं, किस कोई स्टूडेंट्स 12th सी डिवीज़न के हैं। उसके बाद रोल नंबर हम 1 to 10 ही डाल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स के नाम, और उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट्स है, अकाउंट, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक, बिजनेस। यहाँ पर हमारा टोटल आएगा, यहाँ पर उनका परसेंटेज, कितना परसेंट उन्होंने किया है। उसके बाद हम ग्रेड देंगे और उसके बाद उनका रिजल्ट, वो फेल हुए हैं, पास हुए हैं, व्हाटएवर। तो ऐसा एक हमें एक टेबल बनाना है। अब इस टेबल को थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होम टूल का ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे एक एक करके। ये टेबल को पूरा फॉर्मेटिंग करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए हम आज फॉर्मेटिंग का सारा पार्ट देख लेंगे। अब फॉर्मेटिंग में क्या क्या देखेंगे हम, ये होम मेन्यू में जितने भी तीन ब्लॉक्स दिख रहे हैं, 3-4 ब्लॉक्स, ये सारे फॉर्मेटिंग के पार्ट हैं। फॉर्मेटिंग में क्या देंगे, सपोज हम किसी भी एक एरो पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेटिंग में हम लोग देख लेंगे नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल। ओके, तो ये सारे फॉर्मेटिंग का ऑप्शंस हम लोग क्लियर कर लेंगे, प्रोटेक्शन में आपको बाद में बताऊंगा। तो नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर एंड फिल्स, ये पांचों ऑप्शन हम लोग आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, जिससे कि आप एक अच्छा सा टेबल बना सकते हो। शुरू करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा कट कॉपी पेस्ट। हमें आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, अगर आपने देखा नहीं है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहला एक्सेल का लेक्चर। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो स्टैंडर्ड लिखा है उसको A2M कॉलम पे मर्ज कर देना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सेल को एक करना, और सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट, यानी उस सेल के ऑब्जेक्ट को सेंटर अलाइनमेंट पे लाना। करके देखते हैं, कोई भी सेल को मर्ज करना या कुछ भी फॉर्मेटिंग करना है ऑब्जेक्ट को या उस वैल्यू को, कर्सर लेके जाएंगे उस सेल पे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, पुश करके रखेंगे और जितने भी सेल को हमें मर्ज करना है उसको सिलेक्ट करते जाएंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको मैंने बताया था माउस का कर्सर होल्ड करके रखना है और ड्रैग करते जाना है जितने भी सेल आपको मर्ज करना है। तो हमने ए सिलेक्ट कर लिया, बी सिलेक्ट कर लिया, सी, डी, ई, एफ, यानी हम क्या करते जा रहे हैं, पूरे रो नंबर 1 का सेल अप टू एम कॉलम तक हमने सिलेक्ट कर लिया। देखें सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। देखिए क्या होता है, क्या हो गया, ये जो सेल था ये पूरा सेल का नाम देखिए क्या हो गया, A1 हो गया, यानी ये पूरा सेल क्या हो गया, एक बन गया। ए टू एम पूरा एक रो था, वो पूरा एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है, और जो उसका वैल्यू था यानी कि उसके अंदर जो टेक्स्ट था वो क्या हो गया, सेंटर में अलाइनमेंट में आ गया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब इस 12th स्टैंडर्ड को हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। तो फॉर्मेटिंग भी आपको आती है, फॉर्मेटिंग मैंने आपको बेसिक लेक्चर में सिखाया था। अगर आपने मेरा बेसिक लेक्चर्स देखे नहीं है कंप्यूटर बेसिक्स, तो उसके टोटल 5 वीडियो हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो बेसिक्स आप देख लीजिए, ताकि आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड पर क्लिक कर देंगे, करेक्ट। तो ये पूरा ये सारी चीज़ें क्या है, फॉर्मेटिंग के लिए है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस सेल का कलर जो है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है, मुझे इसे येलो कर देना है। तो हम यहाँ पर देखिए फिल कलर है, और उसके बाजू में एरो है, वहाँ पर बहुत सारे फिल कलर आ जाएंगे, तो हमें येलो करना है। तो हम यहाँ से कोई भी येलो कलर ले लेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर ले सकते हो। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो टेक्स्ट कलर है उसको रेड कर देना है, तो उसके बाजू में ए है और उसके बाजू में बहुत सारे कलर्स है, आपको जो भी कलर्स लेना है आप कलर्स ले सकते हो, हमने ब्लू कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो, तो यहाँ से फॉन्ट साइज भी हमें दिया हुआ है, हम उसको बड़ा कर देंगे, करेक्ट। मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल हमने, करेक्ट। और ये हो गया
हमारा टाइटल 12th स्टैंडर्ड। तो उसके बाद रो नंबर 2 में क्या है, सीरियल नंबर, डिवीजन, रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट एंड टोटल एवरेज एंड ग्रेड वगैरह। अब हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे ताकि हम इसको बोल्ड कर सके, ताकि वो भी और भी अच्छा लगे, और उसके बाद बोल्ड कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे सबको सेंटर डाल देंगे, है ना, समझ रहे हैं आपको। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसकी जो ग्रिड लाइन है उनको ऑफ कर देते हैं, ग्रिड लाइन ये जो आपको कॉलम्स की लाइंस देख रहे हो सब बंद कर देते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से समझे, मैं आपको समझाऊंगा व्यू में क्या होता है। तो इसका ग्रिड लाइन ऑफ करने के लिए हम व्यू में जाएंगे, व्यू जाने के बाद ये ग्रिड लाइन देखो यहाँ पर ऑप्शन है, इसको ऑफ कर देंगे। फिर हम हमारे होम टूल्स पे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए सीरियल नंबर का बराबर दिख रहा है, डिवीजन बराबर दिख रहा है, रोल नंबर बराबर दिख रहा है, नेम बराबर दिख रहा है, अकाउंट्स अकाउंटेंसी है पूरा नहीं दिख रहा है ना, इसका एक गायब हो चुका है और सी गायब हो चुका है, सी वाई। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, लास्ट लेक्चर में एक्सेल में क्या बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, इसको टेक्स्ट को सेल के विथ को अगर अलाइन करना है, परफेक्टली फिट कर देना है, तो क्या करना है, उस सेल के नंबर के बीच में जाना है, ई, अब हमें ई कॉलम को अलाइन कर देना है टेक्स्ट के हिसाब से उसका सेल विथ, और उस पर जाके डबल क्लिक करना है या फिर उसको ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो और डबल क्लिक करेंगे तो जितना टैक्स होगा उतना सेल का विथ बन जाएगा, ठीक है। तो अभी अकाउंटेंसी बराबर हो गया, इंग्लिश बराबर है, मैथ्स भी बराबर है, देखिए इकोनॉमिक्स बराबर नहीं है। हम क्या करेंगे, फिर से एच और आई के बीच में जाएंगे और वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए इकोनॉमिक्स भी आ गया। उसके बाद यहाँ पर है बिजनेस स्टडीज़, ये भी दिख नहीं रहा है, फिर से आई और जे के बीच में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये भी हो गया, है ना। अब देखिए परफेक्ट दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है, ओके, यहाँ तक समझ में आए। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस टेबल को प्रिंट करूँ तो उसमें लाइंस भी आए, है ना, लाइंस भी दिखनी चाहिए एक टेबल फॉर्म में जब हम कुछ भी प्रिंट करते हैं। अगर अभी मैं ये प्रिंट करूँगा तो देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कैसा होता है, प्रिंट प्रीव्यू, तो ये ऐसा प्रिंट करेगा जिसमें लाइंस नहीं होगी, टेबल तो है लेकिन लाइन नहीं होगी। तो टेबल्स के बीच में लाइन लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको क्लोज कर देते हैं, इस टेबल को पूरा सिलेक्ट करेंगे, पूरा सिलेक्ट करने क्या करेंगे, फर्स्ट रो से लेके लास्ट रो तक सिलेक्ट कर लेंगे, एक रो हम दो रो हम ज़्यादा 15 तक सिलेक्ट कर लेंगे ताकि तीन हमें एक एक्स्ट्रा रो मिले, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कलर फिल के बाजू में है बॉर्डर्स, कि हमें सेल्स को बॉर्डर देनी है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, एक एक बॉर्डर्स करके हम देख लेते हैं। अगर हम सिर्फ बॉर्डर बटन करते हैं, ओके अभी मैं आपको पहले ये डिसलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज ये सेल है, अगर हम इसे क्या करते हैं बॉर्डर बॉटम कर देते हैं, तो देखिए सेल के सिर्फ आप देख रहे हैं सेल के सिर्फ बॉटम में ही लाइन है, यानी ये सेल है और उसके बॉटम में ही लाइन है, करेक्ट। अगर हम सेल टॉप करते हैं तो सेल के टॉप पे लाइन आ रही है, देखिए ये सेल के टॉप पे और बॉटम दोनों जगह पर लाइन आ गई। यहाँ पर देखते देखिए ये बॉटम हमने किया था बॉटम पे लाइन है, सेल के टॉप किया था टॉप पे लाइन है। उसके बाद हम देखते हैं ये सेल में हम क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट में लाइन आएगी। अगर हम यहाँ पर सपोज टू करेंगे राइट तो राइट पे लाइन है। अब यहाँ पर एक नो बॉर्डर्स, यानी कि हमें सब बॉर्डर्स निकाल देना है, तो हम क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको नो बॉर्डर्स कर देंगे, क्या हो गया देखिए बॉर्डर की लाइन चलेगी, बॉर्डर की लाइन चलेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हम लास्ट बॉर्डर यूज करते हैं वो साइन यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली उसको शॉर्टकट, अगर हमें रिपीट करना है तो वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम उसको कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब उसके बाद क्या है, ऑल बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स मतलब जैसे हम क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर्स आ गया। अभी इसमें एक चीज़ है, ये जो ऑल बॉर्डर्स है इसके नीचे भी है आउटसाइड बॉर्डर्स, देखिए ये सेम है, यानी कि इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ ऑल बॉर्डर्स और आउटसाइड बॉर्डर का क्या डिफरेंस है। आउटसाइड बॉर्डर मतलब सपोज मैंने एक या एक से ज़्यादा सेल्स सेलेक्ट किया हो, अभी यहाँ पर हमने टोटल 4 सेल सिलेक्ट किए हैं, अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर करता हूँ तो चारों सेल के आउटर कॉलम में, देख रहा है आपको चारों सेल के आउटर कॉलम में, सॉरी आउटर एरियाज में बॉर्डर आ रहे हैं, आउटर बॉर्डर, ठीक है, सेंटर में कभी भी नहीं आ रहा है, यानी कि उसको डिवाइड नहीं कर रहा है, ओके। तो ये होता है आउटर कॉलम, आउटर बॉर्डर, और ऑल बॉर्डर क्या करेगा, वो चारों को परफेक्टली बॉर्डर आउट कर देगा। तो ये डिफरेंस है ऑल बॉर्डर्स में और आउटर बॉर्डर्स में। अब हमें इस टेबल को बॉर्डर करना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और क्या ले लेंगे, आउटर बॉर्डर, देख रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ओके। अभी ये दो और ये चार एक्स्ट्रा आ चुका है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ उसको कैसे निकालना है, ओके। तो ये हमारा मस्त टेबल बन गया है यहाँ पर अच्छे से, देखिए फर्स्ट क्लास टेबल बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमें इसे भी कलर कर देना है फर्स्ट रो को, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे सबको और यहाँ पर एक लाइट कलर दे देते हैं छोटा सा लाइट कलर, ताकि हमें समझ में आए, ये देखिए कितना प्यारा हो गया, है ना। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया फॉन्ट का स्टाइल, कलर, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद है यहाँ पर अलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट फटाफट देख लेते हैं। अभी सपोज तो मैं जो रो वन है उसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी रो का हाइट बढ़ाना है उसके रो के सेंटर में जाएंगे, उस पर क्लिक करके माउस का बटन लेफ्ट होल्ड करके रखेंगे और उसको नीचे ट्रैक करेंगे और उसका हाइट हम बढ़ा देंगे,
तो पढ़ा देंगे। अब हमने पढ़ा दिया, अब हमें परफेक्टली दिखेगा कि हम ये अलाइनमेंट कैसे करते हैं। अब देखिए इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, जो देखिए ये टॉप अलाइनमेंट, ये मिडल अलाइनमेंट और ये बॉटम अलाइनमेंट। तो ये क्या करता है, हाइट का जो अलाइनमेंट होता है यानी टेक्स्ट के जो हाइट के अंदर जो अलाइनमेंट होता है वो अलाइनमेंट है। तो अभी इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट है बॉटम, तो हर एक सेल का जो अलाइनमेंट होता है वो बॉटम होता है। ओके, और इसको अगर हमें चेंज करना है, अभी ये अच्छा नहीं दिख रहा है, एकदम सेल इतना बड़ा है और ये बॉटम में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको सेंटर कर देंगे। देखिए सेंटर में आ गया परफेक्टली, चारों तरफ से परफेक्ट जगह छोड़ दिया है उसने। यहाँ से हम टॉप भी कर सकते हैं, देखिए टॉप पे आ गया, बॉटम भी कर सकते हैं और सेंटर भी कर सकते हैं, ये एक चीज हो गई। सेकेंडली लेफ्ट राइट एंड सेंटर अलाइनमेंट, ये तो आपको पता है, लेफ्ट से हम लेफ्ट में अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर में सेंटर, राइट से राइट में, हम इसे सेंटर में रखेंगे। तो ये पूरा अलाइनमेंट का पार्ट हो गया। ओके, अब अलाइनमेंट में थोड़ा सा एक और स्टाइलिश करके है, ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या होता है कि अगर सपोज टू इसे मुझे थोड़ा सा टेढ़ा रखना, कभी कभी क्या करता है हम कोई टेबल में प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे क्रॉस रखते हैं, कुछ दिखाने के लिए, कोई इंडिकेट करने के लिए हमें उसे क्रॉस रखते हैं। तो अगर सपोज टू हमें कुछ चीज़ें क्रॉस रखनी है, इसको अलाइनमेंट थोड़ा सा क्रॉस कर देना, यानी कि इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा क्रॉस कर देना। तो यहाँ से देखिए, ओके अभी ये इसका टेक्स्ट का विड्थ जो है वो कम है, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, सॉरी को ड्रैग कर देते हैं, ओके यहाँ आ गया, क्रॉस हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा क्रॉस है, फिर यहाँ से हम अलग अलग क्रॉस है, आप एक एक बार सारी चीजें करके देख लीजिए ना, देखिए। और उसके बाद है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक विंडो आएगा हमारे पास, देखिए अभी विंडो आ गया और इसका ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर है, वर्टिकली अलाइनमेंट सेंटर है, ओके, और जो हमने टेक्स्ट को क्रॉस किया है वो 90 डिग्री में क्रॉस है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है यहाँ से हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर इसका दिखा रहा है वैल्यू, या फिर इसको हम माउस को क्लिक करके रखेंगे यहाँ पर और उसको ड्रैग करेंगे जितना भी हमें टेक्स्ट चाहिए, बस आप सीधा कर देना 90 डिग्री पे लेके आ जाते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये आ गया, तो ये एक अलाइनमेंट का पार्ट है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो अभी हमने ये देख लिया, अलाइनमेंट के सारे ऑप्शन देख लिए, इसमें एक और ऑप्शन है रैप टेक्स श्रिंक टू फिट एंड मर्ज। मर्ज हमने ऑलरेडी देख लिया, मर्ज ऑलरेडी ऑन है, इसको ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, ओके करो, देखिए ये सब सेल क्या हो गए, इंडिविजुअल हो गए, इसको हम फिर से मर्ज कर देते हैं, मर्ज इन सेंटर, देखिए मर्ज हो गया। इसके बाद है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट का क्या होता है, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं अरुणा करुणा देवी, है ना। अब इस सेल में हमने E21 सेल में एक नेम लिखा है अरुणा करुणा देवी, अब ये सेल ये बाहर निकल गई है ना, करुणा देवी कहाँ चले गई, F में चले गई, F21 में चले गई। मुझे क्या करना है कि ये E21 में ही वो फिट हो जाना चाहिए अरुणा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर जाके श्रिंक टू फिट कर देंगे, ओके कर दीजिए, देखिए अरुणा देवी, अरुणा करुणा देवी उस सेल में फिट हो गई, ओके ये एक चीज़ हो गई। हम इसे ऑफ कर देंगे, क्या होगा ये आपस में वो सेकेंड सेल में आ जाएगी। सपोज तो हमें, यानी कि यहाँ पर बेसिकली मतलब क्या है कि आपको सेल का विथ बढ़ाना नहीं है, उसी विथ पे टेक्स्ट का टेक्स्ट को फिट कर देना है, तो हम श्रिंक टू फिट का यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ऑप्शन एक था रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, यानी कि इसको सेकंड लाइन पे लेके आ जाता है, करके देखते हैं, ओके देखिए लेके आ गया अरुणा करुणा देवी। तो क्या कर देता है वो, सेल का हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है एज़ पर टेक्स वैल्यू। क्या करता है, सेल का हाइट टेक्स के वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो ये हो गया हमारा रैप टेक्स, इसको ऑफ कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से जैसे थे वैसे हो जाएंगे। मर्ज टेक्स मैंने आपको बता दिया था। तो ये रहा हमारा अलाइनमेंट का सारा ऑप्शन, इसमें सारा अलाइनमेंट आ जाएगा आपको, आप यहाँ से एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट है यहाँ पर भी देखो छोटा सा एक एरो दिया है, उस पर क्लिक करें तो क्या होगा, अलाइनमेंट के बाजू में ये फॉन्ट का एक फॉर्मेटिंग सेल में फॉन्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और ये भी मैंने आपको बताया था, आप कोई भी देखिए यहाँ पर सैंपल दिया था, कोई भी चीज़ आप बोल्ड इटैलिक करो, उसका साइज बढ़ाओ, स्ट्राइक आउट करो, लाइन डालना है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करना है, तो हम यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, ओके कर दीजिए, है ना। तो ये फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वर्ड है टेंथ, इसको अगर TH इसको अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट कर देना है, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब समझते हैं ना, देखिए हम इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, ओके देखिए अब ये परफेक्ट दिख रहा है 11th स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हम इसको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट का पार्ट खत्म हो गया, ये अलाइनमेंट का पार्ट खत्म हो गया,
उसके बाद क्या है बॉर्डर्स, हमने यहाँ पर बॉर्डर्स देखा था, अगर हम मोर बॉर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पर बॉर्डर्स पे आ जाते हैं, है ना, देख रहे हैं आपको, हम बॉर्डर्स पे आ गए। तो बॉर्डर्स पे क्या होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नीचे देखिए सबसे पहले मोर बॉर्डर्स, मोर बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बॉर्डर्स के स्टाइल्स बता दिए जाएंगे आपको। अभी नॉर्मली इसका लाइन क्या है, इसकी लाइन क्या है, देखिए सीधी लाइन है, अभी येलो कलर इसलिए दिख नहीं रहा है, हम निकाल देते येलो कलर, उसको नो फिल कर दीजिए तो निकल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अरुणा देवी को निकाल देते हैं, ये फोर बॉक्स को दिखाता हूँ, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, मोर बॉर्डर्स पे जाएंगे, ओके, बॉर्डर लाइन्स को हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे आउटर में चाहिए कि इनसाइड में चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हमें दोनों जगह चाहिए, आउटर भी चाहिए और सेंटर भी चाहिए। देखिए यहाँ पर सैंपल दे रहा है, ओके कर दो, देखिए डॉटेड लाइन आ गई। तो हम इस तरह से बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर भी हम दे सकते हैं, कोई भी कलर चॉइस कर लो, ओके कर दीजिए। ओके, हमने क्या नहीं किया वहाँ से, ये बहुत ज़रूरी है, जैसे भी आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो आउटर एंड इनसाइड जो यहाँ पर भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम देखिए आगे, तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, सारे बॉर्डर्स को स्टाइलिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको हम फिर से येलो कर देते हैं। तो आपको फॉर्मेटिंग कैसे करना है ये सारी चीज़ समझ में आ गई, एक एक करके प्रैक्टिस करते जाना, ओके। उसके बाद है यहाँ पर नंबर्स, हम देखते हैं एक एक करके, जैसे कि सपोज टू यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अभी इसको हम छोटा कर देते पहले, ओके ओके कर दिया छोटा, थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम 30 कर देते हैं, ओके 40 कर देते हैं, ओके अभी दिख रहा है आपको, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर्स देंगे। अभी जैसे कि सपोज टू किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर 3.5 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका डेसिमल पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी सेल का डेसिमल पॉइंट बढ़ाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और डेसिमल पॉइंट सेट कर देंगे, ठीक है, सबको भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर दिए सबको और डेसिमल पॉइंट 2 या 3 या 4 जितने भी अपनी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं, उसके बाजू में कम करने के लिए भी दिया होगा, कम कर सकते हैं, ओके। तो डेसिमल पॉइंट समझ में आ गया। अभी यहाँ पर देखिए परसेंटेज है, राइट, अभी जैसे कि हमें अगर सपोज टू यहाँ पर इनका परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो सपोज यहाँ पर हमने 1 लिखा है फॉर एग्जांपल, लेकिन इसके आगे परसेंटेज साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस सेल हर एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और परसेंटेज पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब क्या होगा, वो वहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो अब सेल के आगे उसको क्या करेगा, हर एक वैल्यू के आगे परसेंटेज लगा देगा, यानी कि जब हम इसमें फंक्शन यूज़ करेंगे तो जब भी उसका एंड रिजल्ट होगा वो परसेंटेज साइन के साथ आएगा, तो उससे क्या होगा, हमें यहाँ पर सारी चीज़ें ले सकते हैं। और भी एग्जांपल हैं, यहाँ पर क्या दिया है, डॉलर का साइन, डॉलर मतलब हमारी करेंसी का साइन, सपोज टू यहाँ पर अरुणा देवी जो है उसने 150 रुपये की सारी परचेस की, ओके 150 रुपये की सारी बाई की, ओके। अब ये 150 के आगे मुझे डॉलर का साइन चाहिए, देखिए डॉलर का साइन आगे, लेकिन इसका हम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं ऐसे यहाँ से, तो 150 रुपये या फिर 150 रुपया पॉइंट इसकी बाई की, लेकिन हमें 150 डॉलर नहीं चाहिए, हमें 150 रुपीज़ लिखना है। 150 रुपीज़ लिखने क्या करेंगे, यहाँ पर देखें नंबर्स में जाएंगे, अब मेरा काम आ गया इसका नंबर्स, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम नंबर पे जाएंगे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है करेंसी, और करेंसी के बाद यहाँ पर देखिए सैंपल यहाँ पर आ गया डॉलर 150.50, डेसिमल पॉइंट जितना सेट करना है आप सेट कर लीजिए, और अब देखिए यहाँ पर पूरी दुनिया की जितनी भी करेंसीज है वो यहाँ पर दी हुई है। हमें यहाँ से क्या करना है, हमारे प्यारे इंडिया की करेंसी ढूंढनी है, इंडिया आ गया यहाँ पर हिंदी, ओके ओके, देखिए परफेक्ट, हमने क्या सिलेक्ट किया, रुपीज़ सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर दिया और वहाँ पर उसका ये आ गया। अभी जब सपोज टू मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी, जैसे कि 1550, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका डेसिमल पॉइंट भी दे देता है, परफेक्टली वो सेट कर देता है, सही है। तो इस तरह से हम यहाँ से नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, करेंसीज का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया,
तो किस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारे कौन से ऑप्शंस हो गए, हमारे अलाइनमेंट हमने पूरा देख लिया, फॉन्ट हमने पूरा देख लिया, बॉर्डर्स हमने देख लिया, फिल्स हमने देख लिया। फिल का मतलब आपको पता है राइट, किसी भी टेबल्स के अंदर हमें कलर फिल करना है तो हम यहाँ से फिल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, यहाँ पर हम कलर फिल कर सकते हैं करेक्ट। यहाँ पर पैटर्न्स दिया हुआ है, मोर कलर्स। यहाँ पर अगर आपको कोई स्टाइल देना है, सपोज टू सीएल नंबर को हमें स्टार करना, सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिल में जाएंगे और ये डॉटेड पैटर्न दे देंगे, देखिए यहाँ पर डॉटेड। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में होती है। पूरा फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, टेबल को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है, हमने वो सारी चीज़ें देख ली। ओके, इसमें आगे भी है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग का वगैरह है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर हम इसी टेबल को आगे बढ़ा के हम कुछ बेसिक फंक्शन सीख लेंगे कि टोटल कैसा किया जाता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, ग्रेड कैसे निकाला जाता है, रिजल्ट कैसा निकाला जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो प्लीज़ इस टेबल को आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से देखें, हर एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन को अप्लाई करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ सके। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला लेक्चर आपको सबसे पहले मिल सके।